छुट्टियों वाले दिन सबकी फरमाइश होती है कि कुछ अच्छा बनाया जाए और सबको अच्छा खिलाया जाए। तो मैं आज बनाऊंगी दम आलू की रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा बेंगली स्टाइल में है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देविका। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अब सर्दियाँ जा रही है तो नए आलू भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा आलू और बड़ा आलू मिला के मैं ले रही हूँ, और यहाँ पे 3 प्याज ले रही हूँ, यहाँ पे 3 टमाटर ले रही हूँ, यहाँ पे 5-6 लहसुन की कली ले रही हूँ और 2 इंच अदरक लूँगी। तो नया आलू है इसीलिए बहुत ही गंदा है, तो इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्कॉच ब्राइट के हेल्प से मैं इसको अच्छे से घिस घिस के धोऊंगी। फिर इसको प्रेशर कुकर में दूंगी और उसका एक ही व्हिसल दूंगी। हाँ दोस्तों, ज़्यादा व्हिसल मत दीजिए, क्योंकि जो आलू का टेस्ट है वो चला जाएगा और जो ग्रेवी के साथ आलू पकेगा तब उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ है वो रफली चॉप मैंने कर दिया है, और मेरे पास ये हैंड चॉपर है जिसमें मैं ये जो सारा सब्जी है वो एक ही साथ मैं एकदम छोटा छोटा करके इसको काटूंगी। आपके पास नहीं है तो आप नाइफ से भी हाथों से भी कर सकते हैं। थोड़ा छोटा छोटा काटने से उसका जो ग्रेवी है वो बहुत थिक होता है। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ एक साथ मैंने चॉप कर लिया है और अभी टमाटर को मैं इसी तरह से इसको चॉप करूँगी। तो यहाँ पे मेरा टमाटर भी चॉप हो गया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच में तेल दे रही हूँ, और तेल को हम लोग कच्चा यूज़ नहीं करेंगे इसीलिए तेल को अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। और जो जो खड़ा मसाला है सब इसमें आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी और काली मिर्च का यूज़ किया है। आप जो जो चाहिए वो दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो प्याज, अदरक और लहसुन का जो चॉप किया हुआ था वो मैंने डाल दिया है, और अच्छे से इसको भूनना है। जब जो प्याज ये सब जब थोड़ा सा भून जाएगा तब यहाँ पे मैं टमाटर दे दूँगी। फिर टमाटर को भी आपको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि आपका जो टमाटर है वो गल ना जाए और तेल साइड साइड से नहीं छोड़ जाए। तो यहाँ पे मैं टमाटर को गलने के लिए 1 चम्मच मैं नमक दे रही हूँ, और साथ ही साथ में जो जो सारा जो मसाला है उसको भी मैं दे दूँगी। तो थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे मैं मसाला दे रही हूँ। मसाले में मैं थोड़ा सा हल्दी दूँगी और यहाँ पे 1.5 चम्मच जैसा धनिया का पाउडर दूँगी और 1 चम्मच जैसा मैं जीरा का पाउडर दूंगी, और साथ में मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर दूंगी। आप आपके हिसाब से आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे खाएंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम दे रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला जल ना जाए इसीलिए मैं गर्म पानी यहाँ पे दूंगी। तो गर्म पानी यूज़ कीजिएगा, और साइड वाले गैस में मैं यहाँ पे और एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, इसमें मैं जो आलू बॉयल किया है उसको मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करते टाइम और जब मैंने प्रेशर कुकर में दिया था तब भी थोड़ा सा मैंने नमक दिया था, तो फ्राई करते टाइम भी मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक दे रही हूँ, और फिर इसको अच्छे से वहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे साइड में भी मेरा मसाला पूरा एकदम रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं तेल एकदम छूट गया है और जो कढ़ाई है उस पर भी थोड़ा थोड़ा लग जा रहा है। तो
यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो पूरी तरह से रेडी है और साइड में भी मेरा जो आलू है वो भी फ्राई हो रहा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं बहुत ही अच्छे अच्छे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ही यूनिक स्टाइल से और बहुत ही सिंपल स्टाइल से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग भी एंजॉय कर सकें। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल बटन है वो भी दे दीजिएगा, तो जब भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए, यहाँ पे मेरा आलू भी फ्राई हो गया है और इसको मैं यहाँ पे मसाले में दे दूँगी और इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। भूनना इज़ मस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से भूनना पड़ेगा। फिर इसमें जब भूनना हो जाए तब इसमें मैं पानी दे दूँगी। पानी दे के इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि आलू जो है अभी तक मेरा 90% ही फ्राई हुआ है, मतलब कुक हुआ है, और अभी ये जो पानी है, पानी में जो 10% है वो भी यहाँ पे कुक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा टाइट अभी तक है, तो इसको पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद बहुत टाइम के लिए इसको ऐसे पकाना है। फिर पकाते पकाते देखिए, मेरा कुछ कुछ आलू टूट गया है और ग्रेवी भी ठीक हो गया है। फिर इस पे मैंने कसूरी मेथी दिया है लास्ट में, और एकदम लास्ट में मैं इसमें एक पूरा हाथ मुट्ठी भर मैं यहाँ पे धनिया का पत्ता दूंगी। धनिया का पत्ते से जो इसका फ्लेवर है और कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे आधा चम्मच जैसा मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप लोग चीनी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं धनिया का पत्ता दे रही हूँ और मेरा ये जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो गया है। तो 5 मिनट इसको रेस्ट में रखेंगे और 5 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। और ये आप पूरी हो गया, जो पराठा हो गया, चावल के साथ हो गया, पुलाव के साथ हो गया, आप किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे घर पे तो सबने वाह वाह कर लिया है, आपके घर पे भी आप बनाइए और वाह वाह लीजिए। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए और खुद का ख्याल रखिए। तो बाय बाय, टेक केयर।